Hello friends, this is Sangam Biforian. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about safe medicine in pregnancy. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी जानकारी को और ज़्यादा एनहांस कर देगी। फ्रेंड्स, वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को एनहांस करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा एनहांस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बड़े ऑनलाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो सेफ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या वुमन प्रेग्नेंट हो तो उसको जो दवा देते हैं वो सेफ मेडिसिन देते हैं। इसलिए सेफ मेडिसिन देते हैं ताकि उसके फीटल को, उसके बेबी को कोई असर ना पड़े, क्योंकि जब किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है तो वो क्या हो सकता है, बच्चा डीप पैदा हो सकता है, बहरे पैदा हो सकते हैं, वो डमरलाइज हो सकता है, इतना समझ लो। इसलिए सेफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ सिम्टोमेटिक सेफ मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ ही दिनों के बाद उसके अंदर आपको एक एनवी सिम्टम दिखाई देगा। एनवी कहने का मतलब नौजिया वोमिटिंग। तो फ्रेंड्स, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और इसके लिए जो मेडिसिन चलता है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है, वो डॉक्सिनेट एम आता है, जिसको डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट बोलते हैं। ये गायनेकोलॉजिस्ट की सबसे ज़बरदस्त चॉइस है। ऐसा आप नहीं करना कि देखना कि उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है तो ओनडेम पेरिनोम, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस होता है, इसके लिए हमेशा डॉक्सिनेट एम या डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट का जो भी होगा, ठीक है, कंपोजिशन, उसको ही आपको देना है। ये पहला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि कब पेन ड्यू टू फीटल मूवमेंट। सेकेंड है कि जब फीटल, जो बच्चा होता है, बेबी जो होता है, वो जब मूव करता है, ठीक है, जब मूव करता है तो उसके अनुसार कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, कभी कभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हमेशा ड्रोटिन एम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोटिन एम याद रखिए, पेट से जुड़ी हुई ज़्यादा जो दर्द होता है वो ड्रोटिन एम होता है। अगर पीरियड का दर्दिंग हो महिलाओं में तो वो ज़्यादातर ड्रोटिन एम ही चलता है। ड्रोटिन एम में ड्रोटावेरिन और मिफेनेमिक एसिड होता है, जो कि कोई भी इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस याद रखिएगा कि जब भी प्रेग्नेंट वुमन हो तो उसको ड्रोटिन एम ही सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। इसके आप साइक्लोपाम, प्लस्मारिबोक, प्रोक्सीबोन सब नहीं देना, इस बात को आप याद रखिएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको यही दर्द का दवा देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। लेकिन जब नंबर थर्ड है फॉर गैस, कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा कभी कभी गैस बनता है, इतना ज़्यादा गैस बनता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो गैस के लिए हमेशा प्लेन दे, आप प्लेन कहने का मतलब जैसे पैन 40 पैन टॉपरा जो ही दे, ठीक है, उसमें DSR लगा हुआ ना दे, ये मेरा सजेशन है, ठीक है आपको, क्योंकि DSR क्या कहते हैं, उसमें डोम पेरीडोन होता है जो वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है जो अगर प्रेग्नेंट कोई महिला है और उसे गैस बन रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो वो DSR सजेस्ट करते हैं, DSR दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, याद रखिए प्रेगनेंसी में प्लेन चलता है। और जब भी वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग हो, उसके लिए आपको डॉक्सिनेट एम का इस्तेमाल कीजिए या डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए, जो जिसमें वो कंपोजिशन मिला हो, कोई भी ऐसा टैबलेट जिसमें डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट कंपोजिशन मिला हो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप कभी भी DSR मत दीजिए, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा प्लेन चलाए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, मेरे नॉलेज के अनुसार, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी गैस बने तो महिलाओं में आपको प्लेन ही चलाना है। तो फ्रेंड्स, ये तीन कुछ मैंने बेसिक दवाइयाँ बताई जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलते हैं, सिम्टोमेटिक के तौर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अब ये तीनों जो दवा मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा सेफ है, और इसके अलावा बहुत सारे दवा चलते हैं, जैसे कैल्शियम का चल गया, आयरन का हो गया, ठीक है, ये सब चलते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लाइकर कम होगा उस पर भी चलता, उसके लिए भी चलता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इन प्रेगनेंसी में आपको अच्छे से संदर्भ तरीके से समझ में आओ। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए और अपना और अपने परिवार के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ा आपको और ओल्ड लगेगी, क्योंकि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं अपना बेस्ट दूँ, उम्मीद करता हूँ काफ़ी से लाइक करेंगे। थैंक यू।